महाराष्ट्र में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की बीजेपी सरकार को बड़ी राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मराठा आरक्षण रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव यानी कि पूर्व प्रभावी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को 2014 से लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी की है, स्टे के लिए पिटिशनर्स की तरफ से बहुत अटेम्प्ट किया गया पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके स्टे के मुद्दे पर अगली सुनावी के लिए 2 हफ्ते के बाद मैटर रखा है। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को बरकरार रखने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार का मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तय 50% सीमा का उल्लंघन है। मराठा रिजर्वेशन जो असेंबली में अभी पास हुआ है, जो अमेंडमेंट के साथ मराठा गवर्नमेंट ले आई थी, उसको वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करना चाहती थी, यानी कि 2018 में पास किया हुआ बिल वो 2014 से लागू करना चाहती थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही स्टे कर दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता। मराठा वोट बैंक को साधने के लिए फडणवीस सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया था। पिछले साल नवंबर में विधानसभा ने भी मराठा आरक्षण बिल पर मोहर लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून को मराठा समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए राज्य सरकार के फैसले पर मोहर लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने 16% की दर को कम करते हुए शिक्षा संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% मराठा आरक्षण दिए जाने का निर्देश दिया था। चुनावी साल में जहां फडणवीस सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण को लागू करवाना चाहती है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। What is the empirical evidence on the basis of which they have come to the conclusion about Maratha's social backwardness, economic backwardness or political backwardness? It's one of the dominant classes, ruling classes. शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को अलग आरक्षण देने के बाद महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद 60% से ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होनी है। बहरहाल देखना ये होगा कि चुनावी साल में मराठा आरक्षण का दाव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।